आज मैं आपको ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां पर श्री गुरु नानक साहिब जी ने 14 साल से ज्यादा समय बिताया। यह वो जगह है जहां पर गुरु जी ने मोदी खाने का काम किया, और ये वो जगह है जहां गुरु साहब अपनी बहन के साथ रहते थे, और ये वही स्थान है जहां पर गुरु जी ने सच्ची नमाज पढ़ना सिखाया था, और वो जगह है सुल्तानपुर लोधी। सुल्तानपुर लोधी जहाँ की एक एक गली में गुरु नानक जी गुजरे हैं। यहाँ पर बहने वाली काली वही यानी नदी आज भी गुरु नानक के गीत गाती है। कल्पना कीजिए कि ऐसी जगह जाकर आपको कैसा अनुभव होगा जहाँ पर गुरु नानक जी ने अपने जीवन के 14 साल बिताए हैं। निश्चित रूप में आप स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में ननकाना साहिब और करतारपुर के बाद अगर कहीं सबसे ज़्यादा समय श्री गुरु नानक साहिब जी ने बताया है तो वो यही नगर है सुल्तानपुर साहिब। यहाँ पर 6 से ज़्यादा गुरुद्वारा साहिब गुरु नानक जी की याद में बनाए गए हैं। आज मैं आपको उनके बारे में संक्षेप में बताऊँगा। सबसे पहले जान लें कि सुल्तानपुर है कहाँ। सुल्तानपुर साहिब पंजाब के एक ज़िला कपूरथला में स्थित है। सुल्तानपुर काफ़ी पुराना और ऐतिहासिक नगर है। अब जब भी श्री हरमंदिर साहब अमृतसर आए तो सुल्तानपुर साहब में भी ज़रूर गुरु नानक जी के गुरुद्वारा साहब के दर्शन करके जाना। यह स्थान जलंधर अमृतसर के बीच में पड़ता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से गुरुद्वारा साहब इस पावन नगर में स्थित है। गुरुद्वारा बेर साहब, ये सुल्तानपुर का मुख्य गुरुद्वारा है, जो काली वही जो कि एक छोटी नदी है उसके तट पर स्थित है। बेर साहिब वही जगह है जहां पर गुरु नानक साहिब जी ने काली वही के पास इस बेर के पेड़ के नीचे बैठकर कीर्तन करते थे। पानी की मधुर आवाज श्री गुरु नानक जी के कीर्तन को और भी संगीतमय बना देती थी। कुछ लोग कहते हैं कि श्री गुरु नानक साहिब जी ने इस बेरी के पेड़ के नीचे शब्द कीर्तन करते थे, और कुछ लोग कहते हैं कि ये पेड़ गुरु नानक साहिब जी ने अपने हाथों से लगाया था और इसी स्थान पर वो घंटों बैठे रहते थे। ये बेरी का पेड़ गुरुद्वारे में आज भी मौजूद है, जो हरा भरा है, जिसमें बेर लगते हैं। आज भी इस बेरी के पेड़ के नीचे बैठ कर कीर्तन होता है और संगत उस वक्त को याद करके खो जाती है। गुरु जी ने इस स्थान पर काफी समय गुजारा था। गुरुद्वारा श्री हट साहिब जी। सुल्तानपुर लोधी में गुरु नानक जी ने नवाब दौलत खां लोधी के यहाँ एक लेखाकार के रूप में काम किया, और उसी स्थान पर गुरुद्वारा श्री हट साहिब बनाया गया है। वो वक्त ऐसा था जहां केवल अमीरों की सुनी जाती थी और गरीबों को धिक्कारा जाता था, मगर जहां गुरु साहब ने काम किया वहां पर सब बराबर थे। उन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। उनकी मेहनत, ईमानदारी और नरम दिली के चर्चे चारों ओर थे। लोग कहते थे कि मोदी खाने में एक ऐसा शख्स आया है जो 13-13 करके तोलता है। ये गुरुद्वारा साहब एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है जहां पर गुरु जी ने नवाब के लिए काम किया। श्री गुरु नानक साहब जी द्वारा उपयोग किए गए माप वजन पत्थरों को भी इस स्थान पर देख सकते हैं, जो आज भी गुरुद्वारा साहब के अंदर रखे हुए हैं। गुरुद्वारा श्री कोठरी साहिब। जब गुरुजी नवाब के लिए काम करते थे तो कुछ लोग जो गुरुजी से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने नवाब से शिकायत लगाई कि गुरु नानक साहब जी इन्वेंटरी स्टोर यानी मोदी खाने से चोरी कर रहे हैं। इसी स्थान पर नवाब ने गुरु नानक जी को बुलाकर हिसाब किताब मांगा था। गुरुजी ने अपनी पूरी फाइलें नवाब को दी। नवाब ने अपने राय मसूदी यानी जनरल अकाउंटेंट को सब वही खाते चेक करने के लिए बोला। जब पूरा हिसाब किताब देखा गया तो इसमें केवल लाभ ही लाभ प्राप्त हुआ, वहां पर किसी तरह की हेरा फेरी नहीं पाई गई। इस बात पर नवाब ने
गुरु नानक साहब जी से माफी मांगी और इसी स्थान पर ये गुरुद्वारा साहब बना हुआ है जिसका नाम है गुरुद्वारा कोठरी साहिब। गुरुद्वारा श्री गुरु का बाग। गुरुद्वारा श्री गुरु का बाग एक ऐसी जगह है जहां गुरु नानक साहब जी का घर था। यह वही जगह है जहां पर उनके दो पुत्र बाबा श्री चंद और बाबा लक्ष्मी चंद का जन्म हुआ। यानी गुरु नानक साहब जी के घर का बाग यहां पर से ही शुरू हुआ था। ये बहुत ही प्यारा स्थल है। उस समय यहां एक कुआं भी मौजूद था जिसका पानी लंगर का भोजन पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब इसी स्थान के ऊपर गुरुद्वारा साहब बना हुआ है जिसका नाम है गुरुद्वारा गुरु का बाग। गुरुद्वारा श्री संत घाट। गुरुद्वारा श्री संत घाट वही नदी के किनारे पर स्थित है और यह गुरुद्वारा उस स्थान पर बनाया गया है जहां पर श्री गुरु नानक साहब जी की 3 दिन आलोप होने वाली साकी जोड़ी गई है। ये वही स्थान है जहां पर गुरु नानक जी ने मूल मंत्र को उचारा। यह नदी और यह धरती आज भी श्री गुरु नानक साहब जी की यादों को समेटी बैठी है जिसे आज भी महसूस किया जा सकता है। और इसी स्थान पर बनाया गया है गुरुद्वारा संत घाट जहां पर आज भी गुरु नानक साहब जी की वाणी का दिन रात प्रचार होता है। गुरुद्वारा श्री अंतर यात्मा साहिब। यह स्थान उस वक्त की याद में बनाया गया है जहां पर श्री गुरु नानक साहब जी ने सच्ची नमाज करने की प्रेरणा नवाब दौलत खां और मौलवी को दी थी कि नमाज के वक्त अपनी अंतर्यात्मा को इधर उधर भटकने से सच्ची नमाज नहीं होती। अपने अंतरात्मा को गुरु की वाणी से स्थिर करके उस मालिक की हुई नमाज ही परवान होती है। ये संदेश गुरु जी ने उनको दिया था। इस जगह पर गुरुद्वारा अंतर्यात्मा बनाया गया है। दोस्तों, सच्ची नमाज के बारे में मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है, आप वो सुन सकते हैं। और अंत में मैं आपको एक और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे स्थान के बारे में बता रहा हूँ जो कि श्री गुरु नानक साहब जी की बहन बेबे नानकी की याद में बनाया गया है। वो है गुरुद्वारा बेबे नानकी जी। यह स्थान भी सुल्तानपुर लोधी में है जहाँ पर बेबे नानकी जी का घर है और यहाँ पर ही श्री गुरु नानक साहब जी ने कुछ वक्त गुजारा था। ये थे सुल्तानपुर में स्थित कुछ प्रमुख गुरुद्वारा साहब जिनके दर्शन करके मन प्रसन्न हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी का वक्त देने के लिए धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।